मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन ने प्रचार में पूरी ताकत लगा रखी है। सीएम हेमंत सोरेन खुद आज मधुपुर पहुंचे और जेएमएम उम्मीदवार हाफिजुल हसन के समर्थन में प्रचार किया। इस मौके पर महागठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। सभा में मार्गो मुंडा के विभिन्न गांव पंचायत टोलों से आए हुए आप सभी हमारे किसान भाइयों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहने और अबोरेन गो बबा बोया मिश्रा मरियाड़ाम गुड़ीत लाइके को सराव खोन पहे लड़ी अलिंग सेम खोन अड़ियाड़ी सराव गुमना जोहा। आज मधुपुर उपचुनाव के इस प्रचार प्रसार कार्यक्रम में मैं ये पहला सभा कर रहा और इस मार्गो मुंडा प्रखंड से मैं कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा और मुझे जो बताया गया है कि यहां इस चुनाव में 6-7 प्रत्याशी खड़े हैं। कितना प्रत्याशी है? 6 प्रत्याशी खड़ा है। और हमारे यूपीए गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी हम लोगों के मुख्य विपक्ष के रूप में खड़ा। और यह भी सुनने में आया है कि यूपी बिहार और ना जाने कहां कहां से यहां सांसद विधायक और बड़ा बड़ा पैसा वाला लोग यहां पर आकर के घुसा हुआ है और इस चुनाव में एक प्रकारे अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने को पूरा करने में लगा है। खैर कोई बात नहीं, लोकतंत्र का यह महापर्व है, सब लोगों को अपना किस्मत आजमाने का मौका मिलता है, मौका देना भी चाहिए और हम लोग तो खुले रूप से इन लोगों को मौका देते हैं और चुनौती भी देते हैं कि आ जाओ, अपना माथा फोड़ के जाओगे उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। पत्थर में माथा पटकने से क्या हो। खैर कोई बात नहीं, देखिए ये चुनावी प्रचार प्रसार है, बहुत कम शब्दों में और उन बातों को बड़े रूप में आप लोग समझने का प्रयास करें। ये उपचुनाव है और उपचुनाव क्यों हो रहा है ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मधुपुर की जनता जिस तरीके से बरसों बरस तक
हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब को मान सम्मान के साथ सिर्फ विधायक ही नहीं बनाया, सिर्फ मंत्री ही नहीं बनाया, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नींव को इतना मजबूत किया है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का जड़ मधुपुर के हर एक घर में पहुंच चुका है। इसलिए मुझे इस मधुपुर विधानसभा से मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है, जो फिरकाप्रस्त लोग यहां घुसे पड़े हैं उनको हम मुंह तोड़ जवाब यहां की जनता के माध्यम से देना चाहते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुपुर के मार्गो मुंडा थाना मैदान में सभा को संबोधित करने के बाद रामपुर स्थित एक छोटी सी चाय की दुकान में रुककर चाय का आनंद लिया। उनके साथ जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी भी थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फुर्सत के पल में चाय की चुस्की उन्होंने ली। दरअसल मधुपुर में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री मौजूद हैं। इस दौरान इरफान अंसारी के साथ उन्होंने एक चाय की दुकान पर चाय पी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर लोग कितने उत्साहित थे, वहाँ भारी भीड़ लग गई दुकान के बाहर, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।